हाथ यूट्यूबर्स, आपका अगर एक ब्लॉग चैनल है और उस पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोगों का एक सवाल तो कॉमन रहेगा कि प्रदीप भाई हम लोग अपने ब्लॉग चैनल पर कैसा वीडियोस अपलोड करेंगे, किस किस टाइप का वीडियोस अपलोड करना चाहिए और किस किस कैटेगरी का वीडियो हम लोग मिक्स करके अपलोड कर सकते हैं ताकि यूट्यूब को मिक्स कॉन्टेंट ना लगे और साथ ही कोई यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेट भी ना हो। जानने के लिए बना रहना वीडियो के एंड तक। देखो दोस्तों, ब्लॉग एक ऐसा चैनल है जिस पर आप लोग कुछ भी वीडियोस डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ब्लॉग फॉर्मेट में आप लोग को डालना होगा। जैसे मूवी रिव्यू डाल दो, नॉर्मली आप लोग जैसे ब्लॉग बना रहे हो, जैसे सुबह को उठकर जैसे आप लोग हाई हेलो करते हो, आज की इस वीडियो पर ये बताऊंगा, बस बीच में आप लोग क्या बता सकते हो कि मैं आज इस मूवी के देखने जा रहा हूं, उसका मैं आप लोगों का रिव्यू दूंगा, क्या हो रहा है, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, कौन से गाड़ी में चढ़ रहा हूं, उस चीज को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो और एक 8 मिनट का 10 मिनट का ब्लॉग वीडियो आपका तैयार हो गया सिर्फ एक मूवी को देखकर। उसके बाद अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो घर में, भले ही कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मल खाना वगैरह में कुछ अच्छा बना रहे हो या किसी चीज का सिलाई वगैरह कर रहे हो, किसी चीज को जोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, उस चीज का भी ब्लॉग वीडियो बना सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ब्लॉग के फॉर्मेट में। यह नहीं कि दोस्तों आज की इस वीडियो में यह एक्सपेरिमेंट करूंगा, वैसे ही नहीं। जैसे आप लोग बताते हो कि हेलो दोस्तों, मैं सुबह उठ गया हूं, मैं अभी ब्रश कर रहा हूं और ब्रश करते करते मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो में कुछ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या जुगाड़ चाहिए, जो मैं जुगाड़ ला रहा हूं वो कहां से ला रहा हूं, कितना पैसा लग रहा है, वो सारा चीज एक ब्लॉग के फॉर्मेट में आप लोग बना सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग यहां पर और एक चीज बता सकते हो, जैसे कि कोई चैलेंज, जैसे आप लोगों ने ब्लॉग बनाना है, ठीक है, नॉर्मली वैसे ही सुबह को उठ रहे हो और बता सकते हो कि आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ओनली फॉर व्हाइट फूड खा के दिखाऊंगा, यानी कि 24 घंटा व्हाइट फूड चैलेंज, 24 घंटा पहाड़ में रहूंगा, 24 घंटा जंगल में रहूंगा, 24 घंटा लिखते रहूंगा, 24 घंटा वीडियो बनाते रहूंगा, 24 घंटा लाइव रहूंगा, 24 घंटा माँ के साथ बिताऊंगा, 24 घंटा घर के अंदर रहूंगा। जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जो लॉकडाउन में ओनली फॉर लॉकडाउन 24 घंटा वो एक कमरे में रहकर सारा चीज कर रहे थे, तो वैसे ही आप लोग चैलेंज ले सकते हो। अभी देखो, कोई भी ब्लॉग वीडियो को वायरल करने के लिए आप लोगों का ट्रेंडिंग चीज पकड़ना जरूरी है। अब ट्रेंडिंग अभी भी के टाइम में क्या चल रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी, उसको आप अपने ब्लॉग वीडियो में कैसे यहां पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली जैसे आप लोग ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, किसी जगह पर मतलब 8 के 10 मिनट के वीडियो में कहीं 1 मिनट में आप लोगों को क्या बताना है, अपने ऑडियंस को अवेयर करना है कि देखो दोस्तों अभी ये जो फ्रॉड चल रहा है, इस प्रकार से जो फ्रॉड चल रहा है उसमें आप लोग ना फंसे, इस प्रकार का कोर्स वगैरह सेल होता है उसमें आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, या कुछ सीखने को मिलता है तो वो आपके लायक नहीं है क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट और स्टूडेंट को पढ़ने लायक कुछ कोर्स करना चाहिए, या फिर जिसके रिलेटेड आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो रिलेटेड कोर्स करना चाहिए, नहीं तो फिर बिजनेस रिलेटेड में कोर्स नहीं खरीदना चाहिए, उसमें पैसा नहीं ऐड करना चाहिए, बस 1 मिनट का वीडियो न्यूज़ का भी कवर हो गया ना दोस्त। उसके बाद अगर आप लोगों का कुछ टेक्निकल चीज है जैसे कि मोबाइल का अनबॉक्सिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका टाइटल देख सकते हो मैंने नया मोबाइल ले लिया, भले ही दोस्त ले रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ब्लॉग में बता सकते हो कि चलो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मेरे इसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो काम करता हूं, चलो मोबाइल लेने जाता हूं, भले ही आपका दोस्त, तो मैं अपना दोस्त जाऊंगा वहां पर मोबाइल वगैरह ले लिया, लास्ट में बता देना यार अपने दोस्त के लिए लिया था, तो यार मैं तो पता नहीं कब खरीदूंगा, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से अपने ब्लॉग वीडियो में बना सकते हो। कहीं पे अगर YouTube टिप्स देना है, मान लेते हैं आपके ब्लॉग वीडियो में जैसे मैं टिप्स दे रहा हूं, आप लोगों को टिप्स देना है ब्लॉगिंग कैसे कर रहे हो उस रिलेटेड बता दो, ब्लॉगिंग का थंबनेल कैसे बना रहे हो, केक को कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, नॉर्मल 1 मिनट में कहीं पर बता दो, नॉर्मल जो ब्लॉग चल रहा है उसी चलने दो, नॉर्मल टाइटल कुछ भी लिख सकते हो कि थंबनेल कैसे बनाए, वरना ब्लॉगिंग कैसे करे, ब्लॉग बनाते समय ऐसे कैसे हो गया, ब्लॉग बनाते समय कैमरा में कैसे देखता हूं, इधर कैसे देखता हूं, ये सब चीज बता सकते हो नॉर्मली 1 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट में, अगर 15 मिनट का वीडियो है तो 2-3 मिनट इजीली ले सकते हो अपने रिलेटेड, और वही 8-10 मिनट का जो वीडियो रहेगा बाकी का वो आप अपना ब्लॉग दिखाओ, दिन का जो जो करते हो, जहां जहां जा रहे हो। अब उसके साथ साथ आप लोग अपने वीडियो में अपने कॉमेडी फनी वगैरह कर सकते हो, कैसे बताता हूं, सिंपल सा आप लोग बताना, मैं ब्लॉग वीडियो बना रहा था, बोरिंग हो रहा था, इसीलिए मैं मोबाइल चलाकर रील्स देखने लग गया, रील्स देखते देखते मुझे ये वाला वीडियो पसंद आ, काम करता हूं ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं, वहां आप लोग कुछ फनी वगैरह कर सकते हो, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो वैसा तो करना ही है, उससे और ज्यादा थोड़ा सा फनी कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मेरा एक मिनी ब्लॉग चैनल है, सिंपल सा आप लोगों को यूट्यूब पर आना है और सर्च करना है प्रदीप दान ब्लॉग, इसमें मैं सैड देता हूं, फनी देता हूं, कुछ सिखाता भी हूं, जैसे मुझे कुछ सिखाना है तो ये सेम चीज ब्लॉग में ही 1 मिनट के वीडियो में मैं सब चीज कर देता हूं। आप लोग देखिए सिंपल से, मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूं। सुबह उठकर सबसे पहले कोलगेट और ब्रश लेकर मुंह धोया, फिर माँ के प्यारी प्यारी हाथों से बनी हुई रोटी और चाय नाश्ते में लिया, जिसे मैं आनंद से खाने लगा। उसके बाद चश्मा को क्लियर करके स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया, फिर पूरा लिखने के बाद वॉयस ओवर लेकर मोबाइल पर जोर जोर से चिल्लाकर मिनी ब्लॉग के लिए प्यारा सा वॉयस ओवर कर लिए। फिर आपका मोटा भाई निरामी साथ में बीके फावड़ा और बोरा लेकर हम तीनों निकल गए मिट्टी लाने। अरे ये क्या, आज तो अमित का गर्लफ्रेंड बाहर बैठा है जिस पर अमित डेरा डाल रहा है, वाह निरामिस वाह। खैर यहाँ से मिट्टी लेना है, चलो बोरा पर भर लेते हैं। यार पापा कैसे इतना मेहनत कर लेते हैं, मेरे तो इस बोरा को भरते भरते फटके 16-16 32 हो गया। फाइनली बोरा भर गया, फिर सस्ता बाहुबली बनकर बोरा को उठाया और रोमो रिंग्स बनकर घर में लाकर पटक दिया। शरीर का सबसे खतरनाक अस्त्र नाखून बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इसलिए इसका एंटी शस्त्र लेकर कट कट करके सभी नाखून को उड़ा दिए। अब माँ का ये काम देखकर आपको रोना आ जाएगा, मैंने सुबह में जो मिट्टी लाया था उस मिट्टी को मिलाकर इस आधे चूल्हे को पूरा चूल्हे का आकार देगा। ऐसे ही माँ का तबीयत खराब रहता है और ऊपर से यह सब करना पड़ता है, यार गरीबी खत्म क्यों नहीं होता। Yeah.
आपने मेरा ब्लॉग वीडियो देख लिया है, अब आप लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग ब्लॉग वीडियो में किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग के फॉर्मेट में ऐड करना होगा। आशा करता हूं वीडियो आप लोग अच्छा लगा है। नीचे में ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो बढ़ते ही आप तक मैसेज चला जाए। वैसे आप लोग मेरे तरह मिनी ब्लॉग वीडियो बनाना चाहते हैं और आप लोगों को नहीं पता है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक कर लो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।